देखो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स मैंने आपको ये समझाया था। सुपर पोजिशन में मैंने कुछ इस तरीके से समझाया था कि अगर आपके पास कोई भी दो वेव पल्सेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी पहली वेव पल्स है, सपोज ये आपकी पहली वेव पल्स है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है 10, एक और वेव पल्स है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है 8, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। जब ये मिलेंगी तो क्या होगा, कोई पी पार्टिकल पे मिलेंगी, पी पार्टिकल इकट्ठी अगर मिलेंगी तो कितना एम्पलीट्यूड ऊपर जाएगा 18। तो क्या रूल लगाया, क्योंकि एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों को ऐड किया तो ऐड करके आपके पास टोटल एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ ही आया 18। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, अगर ये 10 है और यहाँ से क्रेस्ट आ रहा है ऑफ 8 और पी पार्टिकल में इकट्ठे एंटर करता है तो नेट आंसर क्या था 2। तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमने किया, और इसका इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये पूछ लिया जाता है द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ट्रेन्स ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम। तो डिफरेंट ट्रेन का मतलब वेव पल्सेज आ रही हैं ट्रेवलिंग इन अ मीडियम, साइमल्टेनियसली ओवरलैप ऑन ईच अदर, तो इकट्ठे ओवरलैप कर रही हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब पी पार्टिकल पे इकट्ठी ओवरलैप कर रही हैं विदाउट लूजिंग देयर इंडिविजुअल शेप या नेचर। जैसे अगर एक वेव आ रही है वो साइनोसाइडल है, साइनोसाइडल वेव किसे बोलते हैं, जो साइन वेव होती है उसको साइनोसाइडल बोलते हैं क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, तो एक साइनोसाइडल वेव है, दूसरी भी साइनोसाइडल वेव है, जब ऐड करेंगे तो साइनोसाइडल वेव भी बनेगी, ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, शेप नहीं चेंज होएगी, तो शेप रिमेनिंग दी सेम, तो इसे सुपर पोजिशन बोलते हैं। और वेक्टर सम क्या है, जैसे फर्स्ट वेव का कोई भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट y1 है, सेकेंड वेव की y2 है, और ऐसे मान लो कई वेव इकट्ठी एंटर कर रही है एक पार्टिकल में, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेक्टर लॉ हम इसमें फॉलो करेंगे, ये सुपर पोजिशन है। सुपर पोजिशन की कुछ एप्लीकेशन हैं जो आज हम स्टार्ट करेंगे। सुपर पोजिशन की एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन है इंटरफेरेंस, दूसरी एप्लीकेशन है स्टेशनरी वेव्स, और तीसरी एप्लीकेशन है बीट्स। इसमें तीनों में क्या डिफरेंस है, इंटरफेरेंस में अगर दो वेव्स ट्रेवल करती हैं इन सेम डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लो, दो वेव्स ट्रेवल करती हैं इन सेम डायरेक्शन एंड आपस में मिल जाती हैं, ओवरलैप करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, इसको क्या बोलते हैं, दो वेव आपस में क्या कर गई, इंटरफेयर, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी रिमेनिंग दी सेम, ठीक हो गया, मिलके एक नई वेव आएगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेयर कर गई दो वेव्स। नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव्स, दो फिर से आइडेंटिकल वेव्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन वो आपस में ऐसे ओवरलैप करती हैं व्हेन ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटर कर रही हैं और आपस में मिल रही हैं, और नई वेव जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव, एक ही बात है, ठीक, दोनों में क्या अंतर है, इसमें सेम डायरेक्शन, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट है बीट्स, बीट्स क्या है, व्हेन टू वेव्स ट्रेवलिंग इन अगेन सेम डायरेक्शन, आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, मिल जाती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, डिफरेंट, तो आप चेक कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, और लेकिन फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, स्मॉल है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या जनरेट हो गई, बीट्स जनरेट हो गई, बीट्स वही म्यूजिक की बीट्स हैं, हम बोलते हैं म्यूजिक की बीट्स बहुत सही हैं तो ये वही बीट्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। तो हम इस प्लस वन के अंदर जो अभी स्टार्ट करेंगे वो मेन फोकस स्टेशनरी वेव और बीट्स पे रहता है, इंटरफेरेंस साउंड की जगह हम लाइट में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और लाइट ऑप्टिक्स का पार्ट है, तो ऑप्टिक्स में पूरा चैप्टर आएगा वेव ऑप्टिक्स में जिसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो उसके अंदर ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं, साउंड में थोड़ा सा तो बताया जाएगा लेकिन ठीक है, कंडीशन दे के उसमें जो है हम एक बार डिस्कस करेंगे जरूर, पर ज्यादा मैथमेटिकल पोर्शन प्लस टू के अंदर है। तो अभी जो हमने आज का काम करना है वो क्या करना है, स्टेशनरी वेव, आज सिर्फ यही यही डिस्कस होगा, तो स्टार्ट करते हैं विद स्टेशनरी वेव्स।